सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज पर चल रहे आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत गुरुवार को खेले गए फाइनल फुटबॉल मैच केंद्रीय विद्यालय वायुसेना और नीना थापा के बीच खेला गया। आपको बता दें कि निर्धारित समय में दोनों टीमें कड़े मुकाबले के साथ 0-0 पर रहीं। उसके बाद टाई ब्रेकर लागू किया गया, जिसके अंतर्गत दोनों टीमों को 5-5 पेनाल्टी शूट आउट मिला, जिसमें केंद्रीय विद्यालय वायुसेना ने 3-1 से मैच जीत लिया। इस दौरान विजेता तथा उप विजेता टीम को जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष डेविड सिरिल उपेंद्र मणि त्रिपाठी ने ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष डेविड सिरिल उपेंद्र मणि तिवारी तथा सचिव मोहम्मद हमजा खान ने कहा, डेविड सिरिल साहब प्रधानाचार्य सेंट जूस स्कूल, श्री डेविड सिरिल साहब बच्चों को ये प्रदर्शनी मैच केंद्रीय विद्यालय के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि श्री गणेश शंकर पांडे साहब, निराज मंडल, रतन सिंह, विकास, संजय साहनी, कुर्बान अली, अब बारी है नीना थापे के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने की, जो पीले और नीले रंग के जर्सी में मैदान में पवेलियन में बैठ रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। चिर स्मरणीय होने जा रहा है टाइम। लौट साहब
गोविंद पासवान यहाँ आ जाए, गोविंद पासवान धरवन आ गए भाई, सन्नी आ जाए, जूनियर साहब प्लीज आएगा सर, तीनों हाथ लग जाएगा सर, तीनों टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ है और बहुत अच्छे तरह खेले हैं दोनों टीमें और केंद्रीय विद्यालय ने शूट आउट पेनल्टी में मैच को जीत लिया। दो टीमें खेली हैं, हारी हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो टीमें? हार जीत तो लगा रहता है, दोनों टीमें ने बहुत अच्छा खेला क्योंकि अगर आप देखें फाइनल स्कोर जो था 0-0 था और उसको पेनल्टी शूट आउट तक जाना पड़ा, तो दोनों टीम बहुत ही अच्छे खेले। सर क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे बच्चे अपना प्रैक्टिस जारी रखें और अपना गेम और थोड़ा इम्प्रूव करें और उम्मीद है कि ये लोग और हायर लेवल तक जाएंगे। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली हैं और टाइब्रेकर में दोनों टीमें गई थी। किसी किसी टीम का दिन होता है तो वो टीम जीत जाती है, लेकिन दोनों टीमों के बच्चे बहुत अच्छा खेले थे। सर हारने वाली टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? हारने वाली टीम के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और वो आगे और अच्छा खेले, ये मेरे तरफ से उस टीम के लिए। जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई, आगे वो और अच्छा प्रदर्शन करें और आगे अच्छा खेलें। मेरा नाम हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी गोरखपुर। अभी आपके समक्ष जो फाइनल खेला गया ये केवी और नीना थापा के बीच खेला गया और जिसमें 3-1 का स्कोर हुआ, केवी ने पेनल्टी शूटआउट में ये मैच जीत लिया। कल भी इन्होंने सेमीफाइनल में भी पेनल्टी शूटआउट में ही मैच जीता था चरगावां 1 के अगेंस्ट और ये लीग कम नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच था जिसके मुख्य अतिथि थे जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष माननीय गिरेश शंकर पांडे जी, जो विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं, और हमारे दोनों वाइस प्रेसिडेंट। सबसे खुशी की बात है हमारे दोनों वाइस प्रेसिडेंट जिला फुटबॉल संघ के डेविड सिरिल सर और उपेंद्र मणि तिवारी दोनों यहाँ लगातार विराजमान रहे और सभापति महोदय माननीय गिरेश शंकर पांडे जी ने समय के अभाव के कारण अपना पूरा दायित्व इन दोनों के ऊपर सौंप के चले गए और मैच तो बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा, अंत में ये पेनल्टी शूटआउट के जरिए ही इसका फाइनल किया जा सका। और सबसे जो ये अहम भूमिका इस टूर्नामेंट का कि ये इस कॉलेज के मैदान में जो जेके लाल सर जो है प्राचार्य इस कॉलेज के हैं, इन्होंने ये ग्राउंड निःशुल्क दे रखा है और यहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर जेवियर मारिया राज सर जो हैं ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं और इन्होंने निरंतर कोशिश की है कि इस मैदान से लड़के निकलते रहें। उसका नतीजा है कि आज के नेशनल मैप पे 2 बच्चे इंडिया टीम में हैं, एक इंडिया स्कूल टीम में, एक अंडर 17 टीम में और तमाम लड़के लड़कियां अलग एज ग्रुप में, इवन संतोष ट्रॉफी में भी गोरखपुर के तमाम बच्चे लगातार यूपी टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।